के चलते आतंकवादी सीमा पार नहीं कर पा रहे और इसीलिए अब घुसपैठिए घुसपैठ का नया ठिकाना तलाशने की कोशिश में जुटे हैं। बाड़मेर जिले के मुनाबाव बॉर्डर से घुसपैठ पर एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को दरअसल कोशिश कर रहा था, उसी दौरान इसको दबोच लिया गया। बौखला गया है पाकिस्तान, भारत को अशांत करने की फिराक में पाकिस्तान। आतंकिस्तान ने लिया अब नाबालिग बच्चों का सहारा। राजस्थान की सीमा से घुसपैठ, याद रखो इमरान अब नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान। कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, लेकिन दुनिया भर से भीख मांगते फिर रहे इमरान को शायद एहसास नहीं है कि कश्मीर तो हमारा है ही, अब पीओके की बारी है। लेकिन पाकिस्तान अब हिंद के खिलाफ नई साजिश रचने में लगा है। जब पाकिस्तान के सारे हथकंडे बेकार हो गए तो अब फिर से भाड़े के आतंकियों के भरोसे हिंदुस्तान से टकराने की हिमाकत कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के चलते आतंकवादी सीमा पार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब आतंकवादी घुसपैठ के लिए नया रास्ता तलाशने की कोशिश में जुट गए हैं। 24 घंटे पहले ही पाकिस्तान सीमा से बाड़मेर जिले के मुनाबाव बॉर्डर से घुसपैठ कर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। 17 साल का पाकिस्तानी नागरिक मुनाबाव के रास्ते भारत की सीमा में घुसपैठ कर अखली गांव तक पहुंच गया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बीएसएफ के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ में पता चला कि घुसपैठिए का नाम भागचंद है, जो धोरो नारो अमरकोट का निवासी है। बीएसएफ ने पुलिस थाना गढ़ा रोड पर एक व्यक्ति को सुपुर्द किया है, भागचंद नाम बताया गया उसका, कोली जाति का है, 16-17 वर्ष की करीब उम्र है उसकी। और बीएसएफ ऑफिसर्स का कहना है कि ये बॉर्डर मुनाबाव से ऊपर की तरफ से बॉर्डर पार करते हुए इसको हमने पकड़ा है और उसको अब जेआईसी के लिए ला रहे हैं। पूरी पूछताछ होने के बाद सारे तथ्य स्पष्ट हो पाएंगे, ये कौन है, इसका आने का उद्देश्य क्या था। देखिए, संदिग्ध घुसपैठिए के पास पाकिस्तानी करेंसी मिली है, उसके ऊपर फोन नंबर लिखे हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर फोन नंबर किसका लिखा हुआ है? ये घुसपैठिया भारत में किससे संपर्क करना चाहता था? आखिर भारत में घुसपैठ का इसका मकसद क्या है? देखिए, घुसपैठिए ने भारत की सीमा में घुसपैठ के लिए हरे रंग के कपड़े भी पहन रखे हैं, ताकि घास के बीच आराम से छिप सके। लेकिन अब ये सुरक्षा एजेंसी की गिरफ्त में आ चुका है और पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। 20 और 10, एक नोट 20 का और एक नोट 10 का मिला है, और एक दो कोई शायद नंबर भी लिखे हुए मिले हैं, पर ये पूरा गहन पूछताछ के बाद सारे तथ्य स्पष्ट हो पाएंगे। इस घुसपैठ को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि कहीं आतंकियों का ड्राई रन तो नहीं है। सीमा पार से कोई बड़ी घुसपैठ की तैयारी तो नहीं चल रही है। कुछ समय पहले पीओके में बच्चों को सीमा रेखा के पास भेजकर सेना को उकसाने की नापाक कोशिश की गई थी, लेकिन नापाक कोशिश नाकाम होने के बाद अब पश्चिमी सीमा पार से नाबालिगों को भेजकर कहीं भारत में बड़ी साजिश की योजना तो नहीं है? भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर।